खलील अर्दिकानी जब युवा थे तब 14 या 15 वर्षों तक पवित्र स्थानों पर सहायक, बागवानी और संरक्षक का काम करते थे। वह दोपहर में एक पेड़ के नीचे झपकी लेते थे। एक दिन अपनी झपकी के दौरान उन्होंने सपना देखा कि वह अब्दुल बहा की उपस्थिति में थे। अब्दुल बहा ने उन्हें गधे पर जीन कसकर उसे ट्रेन स्टेशन पर ले जाने का निर्देश दिया। जब वे जागे तो उन्होंने सोचा कि सुबह तो मास्टर ट्रेन स्टेशन पर कभी नहीं पहुंचे, और चूंकि वे नींद में थे इसलिए उन्हें लगा कि शायद वे सीधा नहीं सोच पा रहे थे। वह फिर सो गए। फिर से उन्होंने सपना देखा कि अब्दुल बहा आ गए हैं और चाहते हैं कि वे गधे को लेकर ट्रेन स्टेशन पहुँचे। वे उठे और उन्होंने सोचा कि उन्हें ट्रेन स्टेशन जाना चाहिए। अगर मास्टर आ गए तो सब कुछ ठीक होगा, और अगर नहीं आए तो वे गधे के साथ वापस लौट जाएंगे। तो वे गधे को लेकर अक्का के लिए निकले, पर जब वे ट्रेन स्टेशन पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वहाँ कोई ट्रेन नहीं थी। जैसे ही वे जाने लगे तो उन्हें ट्रेन की सीटी सुनाई दी, इसलिए वे इंतज़ार करने लगे। यात्री एक एक करके उतर गए और अचानक उन्होंने देखा कि मास्टर आ चुके थे। अब्दुल बहा जब गधे पर चढ़ गए तब उन्होंने खलील की ओर रुख किया और कहा, खलील, मुझे आपको गधा लाने के लिए कितनी बार बताना पड़ेगा? हमारे जीवन में कितनी बार हमने अपने सपनों को और अपने अंदर से आने वाली आवाज़ को नज़रअंदाज किया है। हमें कितनी बार प्रेरणा या विचारों की झलक प्राप्त की है जिसने हमारे भीतर को झकझोर दिया हो, और हमने उनकी विश्वसनीयता पर संदेह किया, उनके लिए कुछ बहाना बना दिया और संभावित रूप से किस्मत के साथ अपनी मुलाकात पर चूक गए। हालांकि पिछले अवसर खो गए होंगे, भविष्य में ऐसे मौके अनिवार्यतः फिर से प्रस्तुत होंगे। आइए हम उन सपनों को विवेक और हृदय की पवित्रता के साथ सुनें और उन पर कार्य करें, क्योंकि केवल आज्ञाकारिता के माध्यम से हम गधे को ट्रेन स्टेशन पर ला सकते हैं और अपने हर्षित विस्मय के साथ अपने कार्य के वास्तविक महत्व और विस्तार का पता लगा सकते हैं।